गाइस गुड मॉर्निंग, और सब कैसे हो? आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख सकते हो आज का वेदर, आज का मौसम कितना मस्त हो रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोई नहीं दिख रहा है आसपास में। और इधर विवेक ने तो स्नान भी कर लिया, देखो देखो कैसे चल रहा है। सोनी ने सुबह सुबह बच्चों को नहला दिया, अभी इसकी बारी है, अभी ये नहा गई होगी, उसके बाद में मैं नहाऊंगा, लास्ट में ये नहाएगी। अभी है योगेश की बारी, अभी योगेश नहा रहा है। ढकते बैठ जा रहे, कैसे कर रहा है, कुट रहा कुट रहा है। आज देख सकते हो सोनी ने आज सब दोनों की बैंड बजा के रख दिया। राम राम माता है ना सभी को। आज देखो ठंडे ठंडे मौसम में कैसे नहाने का मजा आ रहा है। गरम गरम पानी से नहा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह नहा लेंगे तो बढ़िया रहेंगे, फिर हवा चलने लगेगी, फिर नहाना भी नहीं बन पाएगा। आज का वीडियो काफी मस्त होने वाला है गाइस, बने रहिए आज के वीडियो में। योगेश नहा लिया, और देखिए मौसम, देखिए गाइस आज का मौसम, देखिए चारों तरफ कितना कोहरा है चारों तरफ, ये देखिए। सब मैं भी नहा लिया, अब सोनी की बारी है ठंडी के मौसम में। बड़ा आनंद आया नहाने में। और अभी देखिए हमारी मम्मी सुबह सुबह बना रही है भाकड़ी, चाय और भाकड़ी। मम्मी नाश्ता में ये देखो, योगेश विवेक बाबा ठंडी का आनंद ले रहे हैं, आंच जला ली है और उस पर ताप रहे। चलो नाश्ता, वो भाकड़ी बने गई, चाय पी लो। अभी पोहे बनाने की तैयारी, अभी चूल्हे में आंच जलाई। अभी सोनी ने लिया है इधर पोहे बनाने के लिए, ये प्याज मिर्ची। अच्छा ये प्याज है, ये मिर्ची। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ और क्या है? और क्या है और बताइए। नहीं नहीं सर, जब मिर्च इतनी प्याज एक और मूंगफली के दाने आधी कटोरी, ये मटर इतनी, मटर आधा किलो मटर थी ये, उसमें से निकाला दाना। हाँ। और ये पोहे। आज हमारे ठाकुर जी महाराज का स्नान हो रहा है, तभी तो बढ़िया ठंड नहीं लगेगी। सुबह सुबह ठंडी में मैया को नहला दिया, ठाकुर जी को नहला दिया, ठंडी लगी होगी उनको। विवेक योगेश दोनों मदद करवा रहे हैं, वो आंच जलाने में लगा हुआ है। अभी पोहे के लिए सोनी ने प्याज कटिंग कर दी बारीक बारीक, है बारीक बारीक कटिंग कर ली। लहसुन अलग रखना, लहसुन जाम को रख रहा हूँ, ये लहसुन तो सब्जी के लिए। मिर्ची तीखी वाली है ये, कितनी इतनी सारी डलेंगी? आज पोहे की रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मूंगफली के दाने कढ़ाई के अंदर डाल दिए सोनी ने। ये मूंगफली दाने इनको बढ़िया तरह से भून लेंगे, जब भून जाएंगे तो भी स्वाद आएगा। कच्चे डाल देंगे तो खांसी होगी। गए तो निकाल लो, ये देखो ऐसे बढ़िया बुन गए, अपने आप फटने लगे मूंगफली के दाने। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया सोनी ने, एक चमचा डाल दिया है सरसों का तेल। विवेक कैसा आराम पा दे रहा है? हाँ जन जन। अभी सोनी ने धनिया साफ कर लिए हरे हरे, ये देखिए कितने बढ़िया धनिया है, देसी धनिया है। आज अमावस्या है और सभी लोग हम नहा लिए आज सुबह सुबह सर्दी में, तभी तो नहा लिए सभी लोग। अभी कढ़ाई के अंदर जीरा डाल दिया है सोनी ने एक चम्मच, अभी डलेगी प्याज,
बारीक बारीक कटी है वो डलेगी, मोटी मोटी वाली तो सब्जी के लिए है। और ये डलेगी हरी मिर्ची और अभी डलेंगे मटर। विवेक ड्राइंग दिखा रहा है, क्या ड्राइंग है कहूँ, ये तो हाई लिखी है, हाय हाय गाइस। अच्छा 3D दिखा रहा है कि मैंने इसे 3D बनाया है, कैसा लगा कमेंट में बताना गाइस। पोहे ले लिए आधा आधा केजी पोहे ले लिए है, आधा ही लेना क्योंकि 1 KG लेके आया था मैं जी। पोहे में खजूली कर रहा हूँ, जरा रही है बारीक बारीक छान रही है। पानी के छींटे लगाएंगे हैं ताकि वो फूल जाए। और पानी में बोर के निकाल दो सोनी, तो ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। ये रहा मिर्ची पाउडर, ये रहा हल्दी पाउडर और ये रहा सफेद पाउडर, सफेद पाउडर नमक पाउडर। ये देखिए मटर भी बढ़िया तरह से बन रही है, बन रही है, भाप से बुन जाएगी। भाप जो पोहा है ना उनको चलाते रहेंगे जिससे पोहा फूल जाएगा। आज पोहा बना रही है सोनी, काफी स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। हमारी मम्मी जी ने इधर मसाला काट दिया सब्जी का जो कुछ बचा था, अभी लहसुन कटिंग कर रही हैं। अभी इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने, ये हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कितना है तो बताती क्यों नहीं, बताती जा। एक चम्मच नमक, स्वाद अनुसार नमक, अभी अच्छा अच्छी तरीका से मिला लेंगे। ये देखिए गाइस पोहा भी कितना मस्त हो गया, अभी फूल गया है। हाँ अभी पोहा को डाल देंगे मसाला, अच्छी तरह भून गया, मटर मूंगफली के दाने सब भून गए, चूड़ा बोलते हैं इसको इस हमें चूड़ा। अभी इसको बढ़िया तरह से मिक्स कर देंगे, मसाला वगैरह सबको बढ़िया तरह से मिलाएंगे पोहा में। ये देखिए अभी देखो मिल गया और थोड़ा बहुत रह गया है, वो नीचे उतार के मिला देंगे इसको। अभी हरे धनिया डाल दिए सोनी, अभी धनिया वगैरह सबको मिला देंगे और पोहे हमारे अब तैयार हो गए खाने के लिए। तो अभी मैं प्लेट लाता हूँ और पोहे का नाश्ता करेंगे गाइस सब सबके साथ। टिप्पण लगाने होंगे इस विवेक को, ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो पहले उनके लिए एक टिप्पण लगा देते हैं, वो चले जाएंगे स्कूल लेकर। अभी दोनों का दोनों बच्चे खा लेंगे जाएंगे इस विवेक स्कूल में, दोनों के लिए पोहे रख दिए। गाइस तो अभी देख सकते हैं पोहे एकदम बढ़िया बढ़िया, और हमारे लिए प्लेट लग गई और आपके लिए ये वाली प्लेट, हमारे लिए वो लग जाएगी। चलो आप खा लीजिए और देखिए कितने मस्त पोहे बनाए सोनी ने। अभी मैं इनको चख के बताता हूँ इनका स्वाद कैसा है। अभी दूध मीठा कर दिया सोनी, दूध के साथ में पोहे का आनंद लेते हैं अभी, और आप खा लीजिए। दाऊ जी का मंदिर का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, दूध के साथ में बहुत लाजवाब लग रहे हैं। देखो ये देख सकते हैं आज का हमारा डेकोरेशन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस। और इधर आटा लगा रही है और परांठे बना रही है,
ये देख लो मटर बटर डाल के भरता बना के तैयार कर दिया है। और बनाएगी साथ में क्या बनाएगी सोनी? साथ में खीर बनाएगी। और आज आपकी और माता पिता की और भगवान की दुआ से और आप सबकी आशीर्वाद से हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी खुशी में और हम पूरा परिवार बैठा एक साथ में, आप देख सकते हो पूरा परिवार है और सब एक साथ बैठ के खुशी मना रहे हैं इसकी और सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। ये पल बहुत ही कीमती पल है हमारे लिए, तो सब हमारे साथ में आप भी जुड़े रहिए और काफी मजा आने वाला है वीडियो में। हम केक को कटवाएंगे अपनी मम्मी के हाथों से। भाई सभी केक कट चुका है और लीजिए आप भी खा लीजिए। सबसे पहले आप है हमारे लिए, उसके बाद में सब है और अभी हम सबको खिलाएंगे केक। राग खाओ पहला राग। और दोस्तों अपना आशीर्वाद बनाए रखना है ऐसे ही हमारे ऊपर। जैसे अभी ये वाली जगह है ना खाली दिख रही है, एक बिंदी वाली, तो ये एक साल के अंदर में 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना, ये सब आप ही पॉसिबल कर सकते हो इसको, तो ये सब आप ही छोड़ते हैं। जल्द से जल्द दोबारा से खुशियाँ आ सके घर में और आप सबके साथ में मिल के केक वगैरह काट सके, उसके लिए जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। और देखो सबको कितनी खुशी है, पूरा परिवार है हमारा एक साथ और अभी सब लोग केक को खाएंगे बैठ के, अभी काफी धूमधाम करेगा। डांस करके जाइयो। गाइस बहुत अच्छे से हमारा सेलिब्रेशन हो गया और पूरे परिवार बहुत सब लोगों को बहुत खुशी हुई। और जैसे क्योंकि पहली बार हम लोग कर रहे थे तो शर्म थोड़ा शर्माना तो होता है, अभी हमारे भाई वगैरह और माता पिता भी थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं, हम भी शर्मा जाते हैं अभी तो। और काफी मजा आया सबके साथ में और जब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो वो आनंद ही अलग होता है। आप सबने देखा कि सबके चेहरे पे कितनी खुशी थी और इस पल को सिर्फ आप ही ला सकते हैं और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आपको चरण स्पर्श सभी को। तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही अगर आप चाहोगे यहाँ पे देखिए इसके बीच में एक बिंदी और आनी चाहिए इस साल के अंदर। अभी तो ये 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं और आपका आशीर्वाद रहा तो ये जल्द ही 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप लोग ही करवा सकते हैं। आप लोग करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। हाँ, और आपको वीडियो पसंद आई हमारी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना जी। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है 10K सब्सक्राइबर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही। विवेक कितना खुश हो रहा है, सबसे ज्यादा विवेक हो रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो।